कैसे हो दोस्तों। हमें अक्सर ये लगता है कि हम लाइफ में क्या करें, हमें कोई दिशा सूझती नहीं है कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम कोई नौकरी करते हैं तो उसमें पैसे की बचत नहीं होती है, ये जनरली होता है। तो ऐसे टाइम में होता यह है कि हमें बिजनेस करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए कि जहाँ हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। पर ये होता है कि हम ज़्यादातर सोचते ही रह जाते हैं तो हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। तो दोस्तों, हम जब कोई एक्शन ही नहीं ले पाते तो हम कहाँ से कुछ कर पाएंगे, कुछ कर सकेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक्शन लीजिए। कुछ भी आपको करना हो, आपके मन में ये रंज नहीं रहना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचकर मर जाते हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने सोचा तो बहुत कुछ होता है पर कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक बैठी बिठाई सोच ही रह जाती है कि वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। वही सोचते सोचते वो अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। तो लाइफ में यह रंज कभी नहीं रहना चाहिए कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। मैं भी दोस्तों सोचता था कि वीडियो बनाऊँ, कुछ करूँ। अगर मैं यही सोचता रहता कि मैं कंटेंट ढूंढूंगा, वो करूँगा, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनानी है, फाइनेंस पर बनानी है, मोटिवेशन पर बनानी है, तो मैं सब कुछ साथ में नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने चैनल का नाम टॉक सीरीज़ रखा। जो भी मेरे मन में ख्याल आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, वो मैं आपके साथ बातें करता हूँ। मुझे ऐसा ही फील होता है। अगर मैं यही सोचता रहता कि मैं करता कुछ नहीं तो अभी तक कुछ नहीं होता दोस्तों। तो इससे अच्छा है कि कुछ भी कीजिए। आपको कुछ भी करना हो तो एक छोटा छोटा सा स्टेप्स लीजिए। आप एक बार देखोगे कि आपका छोटा सा स्टेप कितनी कमाल कर जाता है, एक दिन वो बड़ा बन चुका होता है। तो आपको ये रंज नहीं रहेगा कि आपने कुछ किया नहीं, ठीक है। और यह बात तो बिल्कुल भी गलत है कि किसी को टाइम नहीं मिलता है, जॉब से टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी जॉब करता हूँ, आप भी जॉब करते हैं, आपको भी बिजनेस करने का शौक रहेगा, आपको कुछ और करने का शौक रहेगा। किसी को म्यूज़िक सीखना है, किसी को कुछ और करना है, किसी को कंप्यूटर सीखना है, किसी को वेब डिज़ाइनिंग सीखना है, मतलब आपको कुछ भी करना हो तो आप मतलब खाली सोचते नहीं रहिए, आप एक्शन लीजिए, कुछ भी कीजिए। तो एक दिन वो कमाल करेगा, वो डेफिनेटली है। हाँ, परसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने काम चालू किया फिर आपने बीच में ही उनको छोड़ दिया, तो उसमें फिर परसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो आपकी कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप खाली सोचते नहीं रहिए, आप एक्शन लीजिए। आपको जो भी करना है आप डेफिनेटली अपने काम में सफल जरूर होगे, ये मेरा दावा है। आपका जो भी ड्रीम है, ड्रीम हमेशा बड़ा ही रखिए। और यह मत सोचिए कि आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग अपनी जो एक दुनिया है, छोटी सी दुनिया,
उसमें बंध जाते हैं। हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि हम इस लेवल के आगे तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, हम एक क्राइटेरिया में बन जाते हैं। जैसे कि हमारा प्रमोशन होता है हमारी नौकरी में, उससे 2 गुना 3 गुना 10 गुना छलांग हम लगा ही नहीं पाते। मेन चीज़ है आपकी एक्शन का। आपने देखा होगा कि कम पढ़े लिखे लोग, कॉलेज ड्रॉप आउट लोग एक बड़ी कंपनी स्थापित कर देते हैं, और हम पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही एक लिमिटेड क्राइटेरिया तक बैठ जाता है कि हम उससे आगे कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग मतलब जो कोशिश करते हैं वो डेफिनेटली कर ही लेते हैं। ठीक है, तो हम जो नॉर्मल लोग हैं उसमें मैं भी आता हूँ। तो हमें मतलब एक ही चीज़ है, एक्शन लीजिए, लिटिल स्टेप्स, ओनली छोटी सी एक्शन आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव दे सकती है वो आप खुद महसूस कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।